अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सबीर और आप देख रहे हो इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल। तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है, ये अगर पूरा डेथ हो जाए, यानी कि डेथ सिचुएशन में है फिलहाल, इसको स्टेप बाय स्टेप हम चेकिंग करना सिखाएंगे और उसके साथ कैसे रिपेयर करेंगे वो भी दिखाएंगे जो फॉल्ट होगा। तो फिलहाल हमारा जो फैन होता है सीलिंग फैन, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये कैपेसिटर और ये कॉइल होता है इसका और दो बियरिंग होता है और ये शाफ्ट और पूरा बॉडी, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और पंखा लगा हुआ था जिसके वजह से ये हवा नीचे उतरता है पंखे के जरिए से, जब घूमता है फैन तो पंखे से हवा हमारा नीचे आता है थ्रस्ट की वजह से। तो ये जो हमारा फैन है, ये फिलहाल हमारा पूरा डेथ सिचुएशन में है, डेथ सिचुएशन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा फैन जहाँ पर लगा हुआ रहता है उसका हम करंट को चेक कर लेना चाहिए। यानी आपका अगर मेहनत मेरा तो फिलहाल ये मैं नीचे रखा हूँ तो मेरा अभी कहीं लगाया नहीं है, तो आप जब इसको खोलेंगे तब वहाँ देख लेना कि पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं, करंट और अर्थिंग को अच्छी तरीके से देख लेना आ रहा है कि नहीं। फिर वो अगर आ रहा है तो ठीक है, तो फैन का नीचे उतर के आप फर्स्ट जो काम करेंगे कैपेसिटर को चेक कर लेना है। कैपेसिटर को चेक कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं। यह हमारा बोर्ड है, बोर्ड में डायरेक्ट क्या करना है, बोर्ड में ऐसे वायर को जो है अंदर डाल देना है, ऐसे अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद कम से कम 10 से 12 सेकंड तक ऐसे अंदर डाल के रखना है। रखने के बाद ऐसे करना है, फटाक से आवाज होगा, अगर फ्लैश मारता है आपका तो समझ जाएगा कि कैपेसिटर हमारा ठीक है। पर अगर कोई भी मूवमेंट नहीं करता, कोई भी फ्लश नहीं मारता, एकदम हल्के से आवाज़ होता है तो समझिए कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो फिलहाल हम इसको और फिर से एक बार चेक करके दिखाएंगे। देख सकते हो हमारा कैपेसिटर एकदम ओके है, बिल्कुल ओके है। अब हम कैपेसिटर भी चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। अब इसको फैन को क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। खोलने के बाद उसका जो वायर है, पहले फैन को नहीं खोलेंगे, पहले हम वायर को सीरीलियम के जरिए से चेक कर लेंगे। अगर आप सीरीलियम नहीं बनाना चाहते हो तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा चैनल में ये है वीडियो सीरीलियम बनाने का, वो देख कर सीरीलियम बना सकते हो। ये जो हमारा सीरीलियम है ये मैंने बनाया था, तो ये सीरीलियम देख के आप बना भी सकते हो। इसको हम पहले सीलियम से क्या करेंगे, ये वायर को चेक कर लेंगे। ये जो हमारा वायर है पहले नहीं खोलेंगे फैन को खोलने की पहले ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पर आप चेक कर लेना कि ये ठीक है कि नहीं, फिर आप फैन को, अगर ठीक नहीं होगा तो हम खोलेंगे इसको और कोई दूसरी वजह से। तो हमने सीलियम लगाया, शायद दिख रहा होगा। हाँ, अब इसको एक वायर इधर लगाना है और एक वायर इधर लगाना है। हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, देख सकते हो, ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ये है, हाँ, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा जो बल्ब को देखना ध्यान से, सीलियम का बल्ब जो है कम ग्लो कर रहा है, यानी कि ये ठीक है, शॉर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक आ रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस ठीक ठाक आ रहा है। तो हमारा ये कॉमन वायर है, जो ब्लैक और रेड एक कॉमन वायर है, दोनों मिलके कॉमन है, और ये हमारा स्टार्टिंग का रनिंग का हो गया, देख सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें है, इसके वजह से बहुत कम ग्लो हो रहा है बल्ब। तो हमारा ये भी ठीक है फिलहाल, अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो हमारा कॉइल को हम खोल के चेक करेंगे। फिलहाल समझ लो कि हमारा इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा, समझ लो कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, एकदम फुल ग्लो कर रहा है। हो सकता है कि ग्लो ही नहीं कर रहा, बल्ब भी नहीं जल रहा, कट गया है अंदर से। तो हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। अब खोलेंगे हम इसको, चेकिंग करने के बाद खोलेंगे।
को हमने खोल दिया। खोलने के बाद इधर ये देख लो, कॉयल एकदम जो है पूरा एकदम क्लियर है, कॉयल एकदम न्यू कॉयल है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कॉयल न्यू बंधा हुआ है किसी का। तो जो भी हो, ये हमारा जो कॉयल है बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो अगर आपका ये जगह जल जाता है यानी कॉयल बग शॉर्ट हो जाता है तो उसके हिसाब से आप उसको रिपेयर करेंगे। उसका अलग वीडियो दिया है रिपेयर का, वो भी आप चैनल में जाकर देख सकते हो रिपेयर का वीडियो। फिलहाल तो मैं डेथ सिचुएशन का एक चेकिंग बता रहा हूँ, तो डेथ सिचुएशन में ऐसे चेकिंग करके आप इसको रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा फिलहाल ठीक है। अब अगर आपका चलते चलते आवाज़ होता है बहुत, तो ये बेयरिंग का प्रॉब्लम होगा। ये और यहाँ पर जो ये स्लिप है, ये हमारा देख सकते हो, ये फैन जो है इसमें लगाया मैंने, इसमें बहुत ही लूज हो रहा है, इसके वजह से मुझे क्या करना पड़ गया, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पंच करके यहाँ पर अंदर डालना होगा, इसको जैम करने अच्छे लगे तरह से लगाना होगा। तो क्या होगा, फैन जो है अच्छी तरीके से जैम होकर लगेगा तभी ये चल पाएगा। तो फिलहाल तो फैन में ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है, तो ज़्यादा कुछ का काम भी नहीं रहता, इसलिए हम इसको रिपेयर कर सकते हैं जो जो बताया। तो पहले हम कैपेसिटर को चेक कर लेंगे, और उसके पहले हम पावर सप्लाई को चेक कर लेंगे, जहाँ पे हम फैन को लगा रहे हैं वहाँ का पावर सप्लाई को चेक कर लेंगे। तो फिलहाल हमने उसको चेक करने के बाद इस कॉइल को चेक कर लेंगे, बास और ज़्यादा कुछ नहीं है, और बेयरिंग को भी देख लेंगे, क्योंकि बेयरिंग जाम रहेगा तो फैन तो घूमेगा ही नहीं। तो बेयरिंग अगर क्लियर होता अच्छा है, और आवाज़ जो होता है वो अलग टॉपिक है, वो डेथ सिचुएशन नहीं है, वो आवाज़ अलग टॉपिक है। फैन का आवाज़ होना ज़्यादा या फैन का स्लो हो जाना तो इस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर से भी नाम आप सकते हो, वो कैपेसिटर रेंज में लगा के। तो फिलहाल मैंने पूरी कम्प्लीटली बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।